नमस्कार, मैं हूं साकेत पाठक और मेरे साथ है संतोष सिन्हा। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फॉल्स एडवर्टाइजिंग इन रियल एस्टेट, द ब्रांड एम्बेसडर्स ट्रैप। करेक्ट। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी, जिसको कैप्टन कूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने आम्रपाली ग्रुप पे 150 करोड़ का लॉसूट फाइल किया है दिल्ली हाईकोर्ट में। इसी के अलावा बहुत सारे और भी सेलिब्रिटी हैं जो अलग अलग ब्रांड से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं जो पार्शियल रूप से किसी न किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, या तो रियल एस्टेट प्लेयर्स उनको घर की चाबी पकड़ा देते हैं अपने घर के प्रमोशन के लिए, या फिर कोई कॉमर्शियल स्पेस प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई आपका यहाँ पे स्पेस है, आप यहाँ पे जो मन करे वो खोलिए। ये सारा कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग गिमिक का हिस्सा होता है और ये लोक लुभावन प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर पाए। धोनी जो आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे, 6-7 साल पहले उनको असाइन किया गया और अग्रीव्ड बायर्स जो आम्रपाली ग्रुप के थ्रू एजिटेट हुए हैं और कहीं ना कहीं बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये स्टेप महेंद्र सिंह धोनी ने उठाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे शाहरुख खान, वो जुड़े हुए हैं महागुण डेवलपर्स के साथ, विराट कोहली हैं जो नितेश एस्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, दीपिका पादुकोण हैं जो एस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय कुमार हैं जो लोधा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो किसी न किसी रियल एस्टेट ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आता है सर क्रेडिबिलिटी का। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी एक सेलिब्रिटी किसी ब्रांड से जुड़ता है तो उस ब्रांड्स पे जो कॉमन लोग हैं उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि यार हमारे ही बीच का और हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं उस जगह पर जाकर अगर एक मकान ले रहा है या किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो हम भी उसे यूज़ कर सकते हैं, और वो उसके पीछे हो लेता है। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी बहुत बड़ा इन्फोर्समेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का, एक इन्फ्लुएंस होता है। सो आज हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन इसी के ऊपर होगी। बहुत सारे ऐसे नियम और फैसले सामने आए हैं फिलहाल, जितने भी एग्रीव्ड कस्टमर हैं उनको देखते हुए, जिस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट ऑपरेट हो रहा था उन सभी चीज़ों को देखते हुए। संतोष जी, क्या आप रोशनी डालना चाहेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे? देखिए, जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर, पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि जो आपने क्रेडिबिलिटी की जो बात की थी, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी जो अपने आप में एक फैन फॉलोइंग लेके चलता है, वो किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने फैन फॉलोइंग जो होती है, अपनी क्रेडिबल जो उसकी जो इमेज होती है, वो उस ब्रांड के साथ एसोसिएट करता है और कहीं ना कहीं अपने फॉलोअर्स को इनकरेज करता है कि आप भी उस ब्रांड के साथ अपने आप को जोड़ें। जहाँ तक रियल एस्टेट सेक्टर की बात अगर करें, तो रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप एक तरह से सपने बेच रहे होते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं जो अभी बना नहीं है, कल को बने। नॉर्मली प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव नहीं हुआ रहता है। हाँ जी, केवल जमीन पर और जमीन दिखाई देती है और कागज पे महल होता है। हाँ, और आप अच्छे अच्छे ब्रोशर्स बनाते हैं और उसको आप दिखा के बेचते हैं। तो रियल एस्टेट में जहाँ पे 85% ऑलमोस्ट 85% प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड है, अगर इंडिया में बात करें तो क्रेडिबिलिटी के वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उस क्रेडिबिलिटी के प्रश्न चिन्ह होने के बावजूद अगर इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को इसे जोड़ते हैं तो ये अपने आप में एक सवाल और निशान खड़ा करते हैं इनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ही इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने जो कंज्यूमर लॉ 2015 का जो एक्ट है, लॉ है, उसके अंदर चेंज करने की उन्होंने बात की थी, उस काफ़ी स्ट्रिंजेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाने की बात की थी, जहाँ पे लोग जो सेलिब्रिटी अपने आप से जो प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी उनके ऊपर एक लिमिट लगाई जाए कि हाँ किस हद तक आप जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी उठा के बेच रहे हैं, आपने उसको यूज़ किया है, आपने उसको यूज़ नहीं किया है, जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं उसके बदले में आपने वहाँ पर जाके इंडोर्स कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रिंजेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी और अमेंडमेंट्स को फॉलो भी किया गया है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स होता है, जो फॉल्स इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस होते हैं,
उसको कहीं ना कहीं कर्टेल करने की बात कही गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि 2017 में एक रिवाइज्ड कंज्यूमर बिल आया है, उसके वो क्या है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी दें। देखिए कंज्यूमर एक्ट 2015 का है ये, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की बात की है की गई है पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा, जो कि 2017 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं वर्बेटिम कोट अनकोट की बात करूं तो एनी मैसेज वर्बल स्टेटमेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिपिक्शन टू शो अ सेलिब्रिटीज लाइकलीनेस फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच लीड्स द कंज्यूमर टू बिहेव टू बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी सेलिब्रिटीज ओपिनियन फाइंडिंग और एक्सपीरियंस। तो मोटा मोटा शब्द अगर हम ये कहें कि किसी भी तरह से अगर कोई भी ब्रांड एम्बेसडर कोई भी सेलिब्रिटी अपने आप को जोड़ता है किसी भी ब्रांड के साथ और उसकी प्रोडक्ट को इंडोर्स करता है तो वो कुछ भी बात कह रहा है वर्बल या लिखित तौर पे या फिर इम्प्रेशन के हिसाब से उसको उस ब्रांड के साथ जोड़ के देखा जाए। ओके। और उस ब्रांड में अगर कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो जो सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स कर रहा है वो भी फॉल्टियर माना जाएगा। तो क्या ये सही है, मतलब ये निर्देश आपके अनुसार ये ठीक है? मैं एक अमूमन मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी है उसको आपने पैसे दिए उसने एंडोर्समेंट कर दिया, जब शुरू में जब चीज़ें दिखाई जाती है कागज़ पे जब कंज्यूमर बहक जाता है जब कंज्यूमर वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी भी बेसिक पेपर वर्क देखता है, वो ये देखता है कि हाँ यार ब्रांड बहुत बड़ा है उसकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी अच्छी है मार्केट में, तभी वो जाके उससे उसके साथ टाइप करता है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो एक ज़माने में काफ़ी सक्सेसफुल बिल्डर माने जाते थे और बाद में उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलने चालू हुए। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो वो भी केस उसी प्रकार का है। जी बिल्कुल। 2016 में जब जो एग्रीड बायर्स थे जिनको मकान नहीं मिल रहा था उन्होंने बिल्डर के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट चालू किया, फिर देखा कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक सेलिब्रिटी है भारत के अंदर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आज के अगर माने तो आज के तारीख में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है उनको, तो उन्होंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा कि भाई हमारी बात जो बिल्डर सुन नहीं रहा है अगर हम सेलिब्रिटी के थ्रू अपनी बातों को रूटीन करें तो शायद उसका असर होगा और उसका असर दिखा भी। मजबूरन महेंद्र सिंह धोनी को 2016 में इस प्रकरण के बाद उस ब्रांड से अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ा और बाद में फिर अमरपाली ग्रुप को भी कहीं ना कहीं कटघरे में ला के खड़ा किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खैर इस एक्ट के ऊपर हम लोग बहुत एक डिटेल चर्चा कर सकते हैं अलग से, बट मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है कि रेरा में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कॉम्बैट करते हैं। रेरा में इस तरह के प्रावधान तो नहीं है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट आप नहीं कर सकते, बट किसी भी प्रोजेक्ट को कंसीव करना नहीं करना या वो बिल्डर उस मकान को बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है या डिले प्रोजेक्ट चल रहा है, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना ज़रूरी है जी, बनिस्पत के इसके कि आप किसी भी तरीके से कोई एक कॉन्स्ट्रेंट डेवलप कर दें एडवर्टाइजर्स के लिए या प्रमोशन होल्डर्स के लिए कि वो मार्केटिंग करने के समय में वो 36 बार ये सोचे कि यार मैं ये काम करूँ या ना करूँ। हाँ आप रॉन्ग डूइंग से ऑब्वियसली बचना चाहेंगे, आप फॉल्स प्रॉमिसेस से बचना चाहेंगे और रेरा में इन सभी बातों का जिक्र है। जी बिल्कुल। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पुरानी कहावत है प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये जो अमेंडमेंट्स की बात है ये क्योर का एक फॉर्मूला है जहाँ पे आप जो सेलिब्रिटीज उनको गलत चीज़ें इंडोर्स करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें गलत ना हो उसके लिए जो प्रावधान की जरूरत है वो कहीं ना कहीं रेरा के अंदर मिलता है। अगर मैं रेरा की जो लॉज है उनकी अगर बात करूँ, अगेन कोट एंड कोट, नो प्रोमोटर शैल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल सेल और ऑफर टू फॉर सेल और इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैनर एनी प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज अ केस मे बी इन एनी रियल स्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द रियल स्टेट प्रोजेक्ट विद द रेरा अथॉरिटीज। तो रेरा के अंदर ये प्रावधान है कि जब तक आप का वो प्रोजेक्ट है रेरा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है आप उसको एडवर्टाइज इंडोर्स किसी भी तरह से कोई सेल नहीं कर सकते। तो वो ये मैं वही उसी पे आ रहा था कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रेरा में प्रोविजन हैं। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और सेलिब्रिटी उनके साथ जुड़ सकते हैं,
हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काम करने की प्रक्रिया, अथॉरिटी के साथ अप्रूवल्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक बेसिक नेटिग्रिटी का हिस्सा होती हैं रियल एस्टेट बिजनेस को रन करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको प्रोसेस कराने में बहुत बार समय लग जाता है। रेरा में उन सभी चीज़ों का प्रावधान बनाया गया है जी। रेरा में प्रोजेक्ट को पास करने के भी टाइमलाइंस दिए गए हैं, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो अभी इसका अलग विषय है, और अभी तक ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है वो देखना पड़ेगा। समय रहते अगर उस चीज़ को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए जी तो बेहतर होगा प्रोजेक्ट्स का। हाँ, कहीं कहीं हमें फिर इस तरह के अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक उनके लिए केवल और केवल आप ये ना देखें कि कौन सा सेलिब्रिटी किस प्रोडक्ट को या किस ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में कि आप अपना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करें। बिल्कुल, किसी भी प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आज के समय में वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। बिल्कुल, उस कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल असेट मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, उसके ऊपर कितनी बोरोइंग्स हैं, इन सभी चीज़ों का मेजर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सो पूरा का पूरा मसला केवल और केवल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और फॉल्स एडवर्टाइजिंग के ऊपर सीमित नहीं है कि क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे हैं उस समय जिन चीज़ों को सोचकर आपने एक एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करा है और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो है वो क्यों रियल एस्टेट डेवलपर्स क्यों लेके आ रहे हैं उनको इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी आपको। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं नोएडा की बात करूँ, नोएडा में आज की तारीख में हजारों डेवलपर्स हैं, ठीक है। मैं उन अगर मुझे 2 BHK खरीदना है वहाँ पे, मेरा प्राइस ब्रैकेट 35 से 50 लाख के बीच का है, तो उसके बीच में मुझे 700 से 800 डेवलपर्स मुझे मिल जाएंगे वहाँ पे, अपने अपने प्रोजेक्ट खड़े करके वहाँ पे बैठे हुए हैं वो। अब उन 700-800 डेवलपर्स को मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक रिकॉल आएगा कि हाँ, अरे अच्छा धोनी का एड देखा था हमने, अच्छा गौतम गंभीर का एड देखा था हमने, ओ मैंने अक्षय कुमार का एड देखा था। तो एक जो रिकॉल होता है वो वहाँ पे काम करता है। तो जो 700-800 डेवलपर से आप सीधा सीधा 12-15-20 डेवलपर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट मदद करती है आपको। जब आप उस 7-15-20 सॉर्टेड लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बाकी जो डेवलपर बिल्डर्स जो बायर्स जो करते हैं जो ड्यू डिलीजेंस की जो बात कर रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट कंपनी को या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को फायदा तो जरूर पहचान रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कंसिडरेशन सेट में आके आ जाते हैं, बिल्कुल ब्रांड कंसिडरेशन सेट में आ जाते हैं। बट लार्जली जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी एक प्रोजेक्ट को बेचने में जरूर और इन्हांस करने में जरूर मदद करता है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट के कंडीशन में आपको थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत, बायर्स को अपनी दिमाग लगाने की जरूरत है। सेलिब्रिटी अपने आप को इंडोर्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंडोर्स कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। आपको मकान खरीदना है, सारी वर्किंग आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो मैं इसी बात पे आज का डिस्कशन खत्म करना चाहूँगा कि रीड बिटवीन द लाइंस एक कहावत है, बिल्कुल जो रियल एस्टेट के लिए बिल्कुल डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो कोई भी एडवर्टाइज कर रहा हो, किसी भी तरीके का प्रमोशन आप देख रहे हो, तो अपने आप या अपने आसपास के लोगों को जिनको भी रियल एस्टेट मार्केट की जानकारी है और नॉलेज है उनसे प्रॉपर मिलकर एक ड्यू डिलीजेंस जरूर करें। प्रोजेक्ट खरीदने से पहले किसी न किसी लॉयर के साथ जरूर संपर्क करें, उनको उस प्रोजेक्ट को दिखाएं और बताएं कि मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। शुरू के 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपए के खर्चे आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही,
मैं साकेत कुमार और मेरे साथ संतोष सिन्हा आपसे धन्यवाद लेना चाहेंगे। धन्यवाद।